वेलकम ब्यूटीफुल पीपल, स्वागत है आपका डी टू डी केयर्स में, सॉरी स्वागत है आपका सैयद स्कूल के चैनल पे। एक बार बोलना भाई, कैसे बोल रहा था? अब हम लेके आ गए हैं डी टू डी को बैंगलोर में। सेक्सी। वक्त आ चुका है बाय बाय करने का। बाय बाय, फ्लाइट की टिकट कट चुका है। देखते हैं अभी आगे। बैठे नहीं भाई, बाय 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 बाय, हैप्पी जर्नी, थैंक यू। और इधर संगी, बाय बाय। कहाँ है भाई? चल बाय बाय, ठीक है, बाय, खुदा हाफिज। बीच में हम हाँ, टाटा टाटा टाटा। नीचे वाले रैपिडो वाले भैया वेट कर रहे हैं, वहाँ पे जाना है उनके साथ, फिर एयरपोर्ट पे निकलना है। और फ्लाइट है मेरी 3:40 में शायद, तो फटाक से वहाँ पे पहुँचते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। बैंगलोर जाने के लिए बहुत सारा पापड़ बेलना पड़ा। पापड़ ये बेलना पड़ा है कि टिकट जो मैंने कटवाया था वो पहले ट्रेन का था, तो उस वक्त अग्निपथ आ गया था, इस वजह से ट्रेन कैंसिल हो गई थी। तो फिर अभी मैंने फ़्लाइट का टिकट कटवाया, और फ्लाइट का टिकट ये हुआ कि नाम जो है उस पर सैयद हिस्किल हो गया था बेसिकली, जैसा आप लोग जानते हैं, बट डॉक्यूमेंट पे जो मेरा नाम था वो था एम डी हिस्किल। तो इस वजह से बहुत दौड़ धूप करना पड़ा, बट हो गया। हुआ ऐसा कि बहुत लगते 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 थैंक्स टू रजत, जो होप नहीं आ रहा था, ट्वीट किया, मेल करवाया एंड सब चीज़। उसके बाद जो है फिर फाइनली मेरा नेम सर नेम मतलब चेंज हुआ, और टिकट पे भी नेम सही हो गया। तो फिलहाल अभी एयरपोर्ट के लिए बढ़ रहे हैं, और संडे है तो ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है, तो देखते हैं आगे अंदर जाते हैं तो पता चलेगा कि क्या होगा कैसे होगा। टिकट विकेट तो मिल गया, और बैग का भी हो गया। थोड़ा बहुत लग रहा था कि बैग होगा कि नहीं पास, क्योंकि मैंने जो बैग था वो ट्रॉली वाला लिया हुआ था। अभी अपन को मिल गया है, अरे भैया 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 सॉरी, ये मिल गया। अब अपन देखते हैं गेट नंबर 5 में, गेट नंबर 5 इधर, लेट मी चेक कहाँ पे, सॉरी। तो अपन पहले देखेगा गेट नंबर 5 किधर है, और इसके बाद वहाँ से चेक करेगा, फिर निकलेगा। कुछ तो ज़्यादा टफ था नहीं, और इधर मतलब अच्छा है, सब चीज़ सही है यहाँ पे। बोलने वाला था बट आंटी आ गई थी कोई, और उन्होंने फ़ोटो खींचने लेने के लिए बोला। बादल ज़रूरी है, तो पहुँचेंगे शायद 7:30 तक लगभग, तो देखते हैं फिर वहाँ से बस पकड़ के अमन के पास जाना है, क्योंकि अमन वहाँ पर तो रीच होंगे। उसके बाद वहाँ पे पहुँचेंगे तो सारी चीज़ें बताएंगे कि क्यों और कैसे और किस लिए जा रहे हैं। घूमने के लिए नहीं जा रहे इस बार, ट्रिप पे नहीं, कुछ और प्लान है, कुछ बड़ा है कुछ अच्छा है, तो आप लोग को एक्सप्लेन करेंगे सारी चीज़ें। शायद आप लोग देखिएगा अभी तो इंस्टा या फेसबुक पे फॉलो करते होंगे, तो आप लोग को पता चल जाएगा कि मैं क्यों जा रहा हूँ। तो फाइनली बहुत सारे स्ट्रगल के बाद ट्रेन फ्लाइट का टिकट कैंसिल ये वो होते होते अपन बैठ गया, सीट है यहाँ पे, तो देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल कुछ ऐसा मज़ेदार तो नहीं हो रहा है, इधर काफ़ी बोरिंग का था, वहाँ देखते हैं क्या होगा। तो गए हैं नीचे, बट बैग ढूंढ रहे, अपना बैग मिलता है तो फिर उसको उठाएंगे और बाहर जाएंगे। वहाँ पे तो काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है, काफ़ी सारा बैग है, जो मन वो उठा लीजिए, ऐसा ऑफर है, मजाक कर रहे, मिल लीजिए। हाँ देखते हैं कितना देर में आता है, और आता है शायद आगे अगर बैग शो यू। Thank you.
पहुँच गए हैं और बैग भी मिल गया, आपने देखा बैग मिल गया मेरे को, और यहाँ से बाहर निकल के बस पकड़ूंगा क्योंकि आज है इंडिया पाकिस्तान का मैच, तो मेरे सारे दोस्त हैं व्यस्त, तो कोई भी रिसीव करने नहीं आ रहा है। और क्या, और अपन को निकल लेना है यहाँ से सीधे तुम, मज़ा आया ऐसे, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। बाकी सबसे अच्छा ये था कि दिन और रात दोनों का सफ़र कर लिया और फाइनली अपन यहाँ आ गया। जैसा कि बताए थे आप लोग को कि टिकट में क्या कितना ज़्यादा परेशानी हुआ था, तो लेट्स सी, एयरपोर्ट काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, अपना पटना एयरपोर्ट काफ़ी छोटा है इसके कंपेयर में, एंड चलते जा रहे हैं, मज़ा आ रहा है। और आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है तो इसलिए कोई आया नहीं अपन को रिसीव करने के लिए, बहुत दुखद की बात है, कोई क्या आने वाला था अपना मन। और यहाँ पे जो आए हैं वो एक सरप्राइज ये है कि हमारी जो कंपनी है स्टार्टअप D2D केयर्स, उसको प्लान है यहाँ पे लॉन्च करने का, तो इसी के लिए अपन यहाँ पे आए हैं। तो ये है कि अब आ तो गए हैं बट यहाँ पे रिसर्च करेंगे और फिर पता करेंगे कि हम लोग यहाँ पे रन कर पाएंगे कि नहीं। चलते चलते थक गए हैं थोड़ा सा, देखते हैं, बस तो लगा हुआ है जैसा कि अपन बताया, तो देखते देखते हैं क्या करना है। काफ़ी सही जगह है, बस नंबर मेरे को चेक करना होगा, तो मैं अभी रुकता हूँ, फिर बस में बैठता हूँ तो आगे का अपडेट देता हूँ। हेलो व्हाट्सअप गाइस, सड़क की सिग्नल आ गए यहाँ पे, अमन आ रहा है रिसीव करने के लिए, और काफ़ी हेक्टिक रहा, मतलब हेक्टिक तो नहीं, काफ़ी लंबा था सफ़र। सो ये रात को तो ऐसे कुछ खास दिखा नहीं, बस बिल्डिंग्स दिखे और क्या, और वैसा पता नहीं, ऐसे इधर थोड़ा सा बिहार वाला फील आ रहा है क्योंकि लोकल है, लोकल मार्केट है एंड ऑल, और मज़ा आया। एंड देखते हैं कि क्या करना है अपने को कल, अभी तो आज थक गया तो दिमाग काम नहीं कर रहा क्योंकि, लेकिन ये सही है, मतलब आज ट्रेन से आता तो दो दिन ऐसे ही मर जाता और उसके बाद फिर दिक्कत होता, तो अभी भाई आ रहा है और उसके बाद भाई के साथ बैठेगा। सफ़र अच्छा रहा, जयनगर एंड ऑल, ये वो बहुत सारा चीज़ आया रास्ते में, देखते हैं कि कितने देर में आता है। ऐसे मेरे अपन ब्लॉग में बहुत दिन बाद आया है तो काफ़ी बोर हो रहे होंगे सब लोग कि क्या है, कैसा रहा, ऐसा वैसा, बट अभी ऐसा टाइम कितना हो रहा है, टाइम हो गया 9:09, तो 4:10 में चढ़े थे और 9:10 में पहुंच गए, तो सही है, ज़्यादा टाइम रहा नहीं, रास्ते में ही खड़ा होगा तो। और बाकी ऐसा आयुष बताया कि इधर के लोग काफ़ी कमीने होते हैं, लेकिन पता नहीं ऐसा कुछ रहा नहीं, जस्ट वेट, बट क्या बोले, थक गए हैं, ज़्यादा लंबा चल भी नहीं सकते हैं तो वेट करते हैं। रोक और पानी बरस रहा हल्का हल्का, चलो मिलते हैं फिर, बाय बाय। बात तो है, अंधेरा कायम रहे तो मेरे दोस्त और मित्र, अंधेरा कुछ नहीं दिख रहा, खुल जा सिम सिम हो। हाय भाई, वेलकम वेलकम।